नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं, जो कि जुड़ा है ईपीएफओ इंडिया से। ऐसे काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी लोगों की कि ई केवाईसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों ई केवाईसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है जब हम हमारा पैसा क्लेम करते हैं, वो पीएफ का एडवांस हो, चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे पेंशन का पैसा जो हम कह सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए ई केवाईसी और ई केवाईसी की ज़रूरत दोस्तों कब पड़ती है, जब हम हमारा बैंक अकाउंट जो है बदलते हैं, बैंक अकाउंट को चेंज करते हैं दूसरे बैंक अकाउंट में। तो इससे पहले हमें जो है एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ता था और एम्प्लॉयर से जो है ई केवाईसी को क्लियर कराना पड़ता था। लेकिन अब मेरे केस में मैंने जो करके देखा, उसमें अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, ऐसा ईपीएफओ ने कुछ दिनों पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है तो आपकी ई केवाईसी जो है बैंक के द्वारा ही डायरेक्ट वेरीफाइड हो जाएगी और उसके लिए आपको एम्प्लॉयर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दूंगा, उससे पहले मैं जो है यहाँ लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके आपको बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है वेरीफाइड बाय बैंक। ये बैंक ने वेरीफाइड किया है, किसी एम्प्लॉयर ने वेरीफाइड नहीं किया है। ये मैंने दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर डाला है, इसमें आप मैनेज पर जाएंगे। केवाईसी पर जाने के बाद आप देख सकते हैं जो केवाईसी का ऑप्शन होता है, केवाईसी हम कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो करंटली एक्टिव केवाईसी है दोस्तों, उसमें यहाँ पर जो मैंने खुद से ऐड की है उसमें लिखा आ रहा है वेरीफाइड ऑनलाइन बाय बैंक, और इसमें जो है साइन की ज़रूरत नहीं होती है। जब मैंने 11 तारीख को ये किया था तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है केवाईसी पेंडिंग थी अप्रूवल को, मैंने 11 तारीख को दिन में ये वेरिफिकेशन के लिए दिया था, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रहा था और 7 दिनों के अंदर ही आज सुबह 5 बजे जो है बैंक के यहाँ से सिस्टम से ये क्लियर हो गया है। और ये जो ई केवाईसी थी जो मैंने खुद यहाँ से की थी, अब वो जो है क्लियर कर दी गई है बैंक के द्वारा। लिखा आ रहा है वेरीफाइड ऑनलाइन बाय बैंक, आप नीचे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो केवाईसी हमने की है वो अप्रूवल में आप देख सकते हैं। मेरी पहले एक दूसरी केवाईसी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इसके कारण से मुझे दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक करना था, उसको मैंने जो है यहाँ से घर बैठे ही कर लिया है। और क्योंकि एसबीआई का अकाउंट था, उसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ लिखा आ रहा है क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड, यहाँ पर जाने के बाद आपको बैंक पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट के अकॉर्डिंग नाम आ गया है। यहाँ पर बैंक अकाउंट डालने के बाद, कंफर्म करने के बाद, जैसे ही आईएफएससी आप डालते हैं तो यहाँ से आपका जो आधार से संबंधित मोबाइल नंबर होता है उस पर एक ओटीपी आता है, और ओटीपी आने के बाद जो है दोस्तों आपकी केवाईसी यहाँ पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग हो जाती है और यहाँ पर स्टेटस में लिखा आता है, आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, ये इस तरीके से लिखा आता है। और 6 से 7 दिनों का वक्त लगता है, बैंक इसको क्लियर कर देता है, और क्लियर करने के बाद जो है आप आसानी से ऑनलाइन सर्विसेज में जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो क्लेम आज किया है उसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग में है। यहाँ पर अब ये फील्ड ऑफिसर को सेंड कर दिया गया है आज अभी जो है रात में ही, और ये करंटली स्टेटस में अंडर प्रोसेस है, अब यहाँ पर उसका प्रोसेस हो जाएगा। ये दोनों इजीली आप कर सकते हैं, आपको जाना होता है ऑनलाइन सर्विसेज में, इसके लिए भी मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं आपको जो है यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दूंगा। आपको क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये 3 से 4 क्लेम कर सकते हैं, फॉर्म 31, 19, 10C, 10D। यहाँ पर नाम देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है, और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आप फुल प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि कैसे आप जो है ई केवाईसी अब खुद घर बैठकर कर सकते हैं, इसके लिए आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होती है, एम्प्लॉय जो है खुद ये काम कर सकता है। और ये मेरे केस में मैंने आपको एसबीआई से बताया है, क्योंकि एसबीआई से ईपीएफओ ने भी ये क्लियर कर दिया था कि घर बैठे बैंक के द्वारा ही आप 6 से 7 दिन के अंदर अपनी ई केवाईसी को अप्रूव करा सकते हैं, जिसका कि मैंने आपको यहाँ पर लाइव डेमो देकर बताया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उन दोस्तों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको ई केवाईसी से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।